आपके परिवार में कितने लोग हैं? दो बच्चे। वो कहाँ रहते हैं? इताई। क्या समस्या है आपकी? अब जा समझते हैं कि नहीं, हम लोग जमीन जागा कुछ और जी मेहनत मजदूरी कर ले तो खा ले, बच्चा है, जमीन जागा होती तो भी हमें खावे देती, हम भूखन मर रहे, न हमें पेंशन बनी गया न कछु हुआ। हम तो आप सरकार से मदद मांगते हैं। क्या चाहते हैं आप? हमें सरकार से हमें कछु पेंशन बन जाती तो हम अपने वही में गुजारा चलाती। तो आपका खर्च कैसे चलता है? मजदूरी करते खाते हैं। आपके पास जमीन नहीं है? थोड़ी सी है तो खाओ तो गुजारा नहीं हुआ। तो आप क्या चाहते हैं? चाहते हैं कि हमें थोड़ी सी मदद मिल जाए सरकार से। कई साल के हुई हो? हम हुए कम से कम 60-70 के। आपने पेंशन बनवाने के लिए किसी से कहा, किसी अधिकारी से, प्रधान से, सेक्रेटरी से? कई तो कोई नहीं कान पर ही धरे, कई तो कोलन से, प्रधान से, कई सेक्रेटरी से, कई कोई साधन नहीं दे रहे। ललितपुर जनपद के वृद्धा ब्लाक ग्राम पंचायत छिल्ला में 17 लोगों का वृद्धा पेंशन नहीं बना था, जिस पर मैंने एक साल पहले एक वीडियो बनाया। उस वीडियो के माध्यम से समुदाय को जागरूक व संगठित करते हुए इस समस्या पर मैं बदलाव ला पाया हूँ। जब इनने शंकर भाई साहब ने मीटिंग लगाई और जो इनने मीटिंग में हमन वरन को बुलाओ, इनने दरखास्त मीटिंग में वीडियो बनाओ, वो वीडियो बना के शंकर भाई साहब और जी ले गए ललितपुर। जब इनने दरखास्त लगाई हमन को ने पेंशन बनवा दई, उन्हें कि हम आशीर्वाद कर दी तुने तो भगवान इन्हें अच्छो करूँ हमारे साथ में। आप भाई शंकर भाई साहब से मैंने किए मीटिंग में और फिर एडीए से दरखास्त लिखवाई और भिजवाई, जो कुछ हो एडीए साहब के पास गए, जब होते से उन्होंने बनवा करके आगे भेजी, आगे भेजे, इसके बाद उसको कोई सरकार ने मदद थोड़ी सी दी, सो मैं गुजारा उसी में करने लगा खाना। मैं चाहता हूँ कि इसी प्रकार समुदाय की समस्या पर वीडियो बनाता रहूं और बदलाव लाता रहूं। मैं शंकरलाल, बुंदेलखंड क्षेत्र ललितपुर से, इंडिया अनहर्ड के लिए।